दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम ने तीसरे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान टीम को 8 विकेट से एक बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त दे डाली है। तो दोस्तों तीसरे टेस्ट मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया ने ये ट्रॉफी तो अपने नाम कर ही ली है, लेकिन डेविड वार्नर का ये दोस्तों फेयरवेल मैच था, यानी कि अलविदाई मैच था। उसने आखिरी मैच खेला है पाकिस्तान के खिलाफ। तो दोस्तों मैच के बाद ईशान मसूद ने बाबर आजम की जर्सी भी डेविड वार्नर को गिफ्ट की थी। तो डेविड वार्नर ने बाबर आजम की जर्सी गिफ्ट में लेते हुए एक ऐसा बयान भी जारी कर दिया है जिसे सुनकर शायद आप भी खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों डेविड वार्नर का मुकम्मल बयान आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच सिडनी में खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और ये फैसला बिल्कुल भी दुरुस्त साबित नहीं हुआ, क्योंकि साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक आते ही 0-0 पर ही आउट हो जाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद सिर्फ मोहम्मद रिजवान ही 88 रन की जबरदस्त इनिंग खेल सकते हैं, जिसकी इनिंग में 2 लंबे लंबे छक्के तो 10 चौके भी शामिल थे। तो दोस्तों वहीं पर सलमान आग ने भी 53 रन की जबरदस्त इनिंग खेली थी, जिसकी इनिंग में 8 चौके शामिल हैं। तो दोस्तों वहीं पर सिर्फ इतना ही नहीं, आमिर जमाल जैसे न्यू बॉलर भी 82 रन की जबरदस्त तबाहकुन धारते शेर की तरह इनिंग खेल देते हैं, जिसकी इनिंग में 4 लंबे लंबे छक्के तो 9 चौके भी शामिल थे। तो दोस्तों इसी तरह फिर पाकिस्तान की टीम ने पहली इनिंग में 313 रन जबरदस्त बना ही दिए थे। पैट कमिंस ने पहली इनिंग में 5 विकेट पाकिस्तान टीम की ले डाली थी। तो दोस्तों वहीं पर जब 314 रन का टारगेट अचीव करने के लिए डेविड वार्नर आते हैं तो 34 रन की इनिंग खेल देते हैं, जिसकी इनिंग में 4 चौके शामिल हैं। तो दोस्तों वहीं पर सिर्फ इतना ही नहीं, उस्मान ख्वाजा ने भी 47 रन की जबरदस्त इनिंग खेली थी पहली इनिंग में, जिसकी इनिंग में 4 चौके शामिल हैं। तो दोस्तों वहीं पर मार्नस लाबुशान ने भी पहली इनिंग में भी 60 रन की जबरदस्त इनिंग खेली थी, जिसकी इनिंग में 6 चौके शामिल हैं। तो दोस्तों फिर इसी तरह मिचेल मार्श ने भी 54 रन की जबरदस्त इनिंग खेली थी, जिसकी इनिंग में 6 चौके शामिल थे। तो दोस्तों फिर इसी तरह आमिर जमाल ने 6 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की टीम की कमर जरूर तोड़कर रख दी थी, और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली इनिंग में 299 रन बनाए थे। पाकिस्तान टीम के 14 रन अभी भी बच गए थे। तो दोस्तों फिर इसी तरह पाकिस्तान टीम के बॉलर आमिर जमाल ने पहली इनिंग में 6 विकेट लेकर बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग कराई थी और सजदा भी किया था, बहुत ही जबरदस्त टैलेंटेड बॉलर रहे थे पहली इनिंग में। तो दोस्तों वहीं पर दूसरी इनिंग में जब पाकिस्तान की टीम खेलने के लिए आती है तो अब्दुल्ला शफीक दोबारा मिचेल स्टार्क की बॉल पर 0 पर आउट हो जाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद साइम अयूब ने 1 छक्का और 3 चौकों की मदद से जबरदस्त 33 रन की इनिंग खेली थी, जबरदस्त बैटिंग की थी। तो दोस्तों वहीं पर सिर्फ इतना ही नहीं, दोस्तों साइम अयूब के बाद कोई भी उससे ज्यादा रन नहीं बना सकता। बाबर आजम 23 रन की इनिंग खेलकर आउट हो जाते हैं, जिसकी इनिंग में 1 चौका शामिल था। तो दोस्तों वहीं पर मोहम्मद रिजवान ने 28 रन की इनिंग खेली थी, जिसकी इनिंग में 1 चौका शामिल था। तो दोस्तों उसके बाद बैक टू बैक विकेटें गिरना शुरू हो जाती हैं। जोश हेजलवुड ने 4 विकेट दूसरी इनिंग में पाकिस्तान की टीम की लेकर कमर तोड़कर रख दी थी। तो दोस्तों इसी तरह फिर पाकिस्तान की टीम ने दूसरी इनिंग में सिर्फ 115 रन बनाए थे, 14 रन पिछले भी बचे हुए थे। पाकिस्तान टीम के टोटल अब 129 रन हो गए थे और 130 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया की टीम को मिल गया था। अब ऑस्ट्रेलिया की धरती पर यह कोई टारगेट ज्यादा तो नहीं था। तो डेविड वार्नर आते ही 57 रन की जबरदस्त धारते शेर की तरह इनिंग खेल देते हैं, जिसकी इनिंग में 7 चौके शामिल हैं। तो दोस्तों जी हां, अलविदाई इनिंग उसने जबरदस्त खेली है, जहां पर पूरा ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड झूम उठा था। तो दोस्तों इसी तरह फिर मार्नस लाबुशान ने बची कुटी कसर निकाली थी, 62 रन की जबरदस्त इनिंग खेली थी, जिसकी इनिंग में 9 चौके शामिल हैं। तो दोस्तों मार्नस लाबुशान ने 62 रन की इनिंग खेलकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को जितवा ही दिया था। तो दोस्तों इसी तरह 8 विकेट से एक बहुत बड़े मार्जिन से पाकिस्तान टीम को आसानी से शिकस्त हो गई थी, और इसी तरह पाकिस्तान टीम को 3 टेस्ट मैचों में तीनों ही में शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों इस मैच के बाद शान मसूद ने बाबर आजम की जर्सी पर सारे प्लेयर्स के साइंस करवाकर डेविड वार्नर को गिफ्ट की थी, जिस पर डेविड वार्नर बहुत ही खुश हुए। और डेविड वार्नर उस्मान ख्वाजा की मदर को भी मिलते हैं और अपनी वाइफ को भी मिलते हैं, बच्चों को भी मिलते हैं। अलविदाई मैच था, पूरे ग्राउंड में ही दोस्तों चक्कर लगाते हैं डेविड वार्नर, बहुत ही इमोशनल नजर आते हैं। और डेविड वार्नर इमोशनल ही में बाबर आजम की जर्सी लेते हुए क्या बयान देते हैं, चले आपको बता देते हैं। तो दोस्तों डेविड वार्नर बयान देते हुए ये कह दिया है कि देखें, जितना पाकिस्तान की टीम से खेलकर मुझे खुशी होती है, उतना किसी भी टीम के साथ मुझे टेस्ट मैच खेलने में खुशी नहीं आती। शाहीन शाह अफरीदी जो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, उससे खेलकर बहुत ही मजा आता है, बहुत इंजॉय किया है इस टेस्ट सीरीज को। और ये देखें, कोई हार जीत तो क्रिकेट का हिस्सा ही है, हार जीत तो होती ही रहती है, लेकिन ये सीरीज खेलकर जो मुझे खुशी मिली है, किसी टीम से भी ऐसी सीरीज खेलकर मुझे खुशी नहीं मिली थी। मैं पाकिस्तान टीम का दिल की अतहा गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और देखें, बाबर आजम जैसे जबरदस्त खिलाड़ी इस सीरीज में तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वो टैलेंटेड खिलाड़ी जरूर है, पूरे एशियन प्लेयर्स में से जबरदस्त और बेहतरीन खिलाड़ी है। हाँ, इस सीरीज में बैड लक चल रहा था बाबर आजम का, वरना वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को भी जबरदस्त तरीके से आसानी से खेल ही सकते हैं। मिचेल स्टार्क हेजलवुड जैसे खिलाड़ियों को तो वो आसानी से कवर ड्राइव लगा ही सकते हैं, और शान मसूद ने जबरदस्त कैप्टनसी की है, और बेहतरीन खिलाड़ी जो इनको मिला है आमिर जमाल की शक्ल में, वो बहुत ही जबरदस्त, और उसका फ्यूचर क्रिकेट में बहुत ही जबरदस्त है पड़ा। क्रिकेट उसने फ्यूचर में पाकिस्तान टीम को बहुत ज्यादा सपोर्ट करनी है, और पाकिस्तान टीम को बहुत से मैचेस भी जितवाएगा। देखिए, पाकिस्तान टीम का मैं दिल से अतहा गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मेरा टेस्ट मैच में बेस्ट मोमेंट यही है
कि बाबर आजम जैसे ज़बरदस्त खिलाड़ी की जर्सी मेरे पास आ चुकी है, मैं तो क्रिकेट छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन ये जर्सी जो मेरे पास रह जाएगी मैं इसका बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल करूंगा। और देखें, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाड़ियों की ही मेहनत है जिन्होंने ये तीन मैच पाकिस्तान टीम जैसी बड़ी टीम को हरा कर ही ऑस्ट्रेलिया की टीम को जितवा दिया है और ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली है। तो दोस्तों, डेविड वार्नर ने रोते हुए ये बयान जारी कर दिया है बाबर आजम की जर्सी गिफ्ट में लेते हुए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की टीम कौन सी गलती की वजह से ये टेस्ट सीरीज हारी है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।